वो आत्मा सदैव मुक्त हो जाती है। कुछ लोग पूछते हैं आत्मा मुक्त होती तो ये रहती कहाँ है, क्योंकि उनको चिंता है भाई अपना जीवन है तो हम आवली में रहते हैं, लेकिन मुक्त हो जाएंगे तब कहाँ रहेंगे, कहाँ रहेगी आत्मा, किसके घर रहेगी, कहाँ बैठी रहेगी, क्या होगा। और फिर इतना सब रोडों पर गाड़ियाँ निकल रही हैं उसमें आत्मा कुचल उचल गई तो क्या होगा। तो ये आत्मा मुक्त होने के बाद इकट्ठी कहाँ होगी, ऐसा लोगों को बड़ा क्वेश्चन है। इसलिए बहुत लोग डर के मारे मुक्त होना नहीं चाहते कि इसमें कम से कम भाग जाएंगे, बच जाएंगे, वहाँ हाथ पैर भी नहीं होंगे, भाग भी नहीं सकते, हम मुक्त हो गए तो क्या होगा। जैसे सूर्य है, पृथ्वी है, चांद है, ये कहाँ रहते हैं, आपसे प्रश्न पूछ रहा हूँ। सूरज कहाँ रहता है, सूरज किसके ऊपर रुका हुआ है, ये पृथ्वी किसके ऊपर रुकी हुई है, ये चांद किसके ऊपर रुका हुआ है, एक चांद किसी चीज में चिपका है क्या, नहीं। ये सूरज कहीं चिपका है क्या, नहीं। ये पृथ्वी किसी फाउंडेशन पर रुकी हुई है क्या, नहीं। पृथ्वी स्वतः में रुकी हुई है, स्वतः अपने आप में, और घूमती भी है। इतनी बड़ी पृथ्वी का राउंड हो रहा है, इसके राउंड होने से ही मौसम परिवर्तन होता है, ये सर्दी गर्मी बरसात आती है, ये चक्कर काटती है। अब तुम सोचते होगे इसको घुमाता कौन है, इसमें बैरिंग कौन फिट किया, मोटर कौन लगाया, इतना चक्कर कैसे ले रही। ये सब स्वतः व्यवस्था है, ऑटोमेटिक है। सूर्य वो भी स्वतः में रुका हुआ है, चुंबकीय शक्ति के द्वारा एक दूसरे की तरफ ये खींचते नहीं है, सब यथास्थान रहते हैं। ऐसे ही आत्मा ये स्वतः में स्थिर होगी, ये किसी के ऊपर नहीं रुकेगी, ये स्वतः अपने आप में स्थिर रहेगी, अपने आप में, स्वयं में, ये किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहेगी। यदि ये डिपेंड रहेगी तो मुक्ति होगी भी नहीं, क्योंकि जिस पर डिपेंड है उसके बंधन में है फिर ये, तो मुक्त कैसे होगी फिर। अब मुक्त होने का मतलब पर निर्भर नहीं रहेगी, स्व निर्भर हो गई, अपने आप में स्थिर रहेगी, तभी इसको मुक्त कहा जाता है। और मुक्ति जीते जी, कबीर साहब कहते हैं, जियत न तरे मोये का तरीहो जियत ही जो न तरे। कबीर साहब कहते हैं जीते जी तुम मुक्त नहीं हुए तो मरने के बाद क्या मुक्त होगे, जीवन में ही तरिए अपने को, तारिए, बुराइयों से तर जाइए, मुक्त होइए, अवगुणों से मुक्त होइए, काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या द्वेष से मुक्त होइए, गलतियों से मुक्त होइए, मोह ममता से मुक्त होइए, आदतों से मुक्त होइए। जैसे आप शराब पीते, अब शराब यदि आपने छोड़ दिया, बस उसी दिन से तुम शराब से मुक्त हो गए। ऐसे ही इस संसार के प्राणी पदार्थों का मोह लोभ त्याग करने से तुम मुक्त हो जाते हो। कई बार आप किसी किसी व्यक्ति को कहते हैं ना, अरे ये तो पूरे मुक्त रूप है, इनका कोई माया मोह नहीं है, हर चीज से मुक्त है, ऐसा बोलते हैं ना, उसकी रहनी गहनी से आपको लगता है कि आदमी मुक्त हो गया। अब ये आदमी कैसे मुक्त होगा जो एक छोटी सी बीड़ी के कारण बेचैन हो जाता है, खैनी सुंघनी तंबाकू के कारण बेचैन है, इसको चाय नहीं मिलती तो उसी में बेचैन हो जाता है, एक पायल अगर नहीं मिली तो पायल के कारण पति के पाँव पर बेलन मार देती, ये कैसे मुक्त होगी आत्मा, ये बहुत कठिन काम हो गया। रोटी ठंडी हो गई उसी में उलझ गया बहुत ज़्यादा, उसी ठंडी गर्म में ही ये गर्म हो रहा है, ये मुक्त कैसे होगा। बड़ा संतोष रखना पड़ेगा, ज्ञान में आ जाना पड़ेगा। प्रजहात यदा संघर्ते चायम कूर्मो अंगानि सर्वस इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्य तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। प्रजहात यदा कामान सर्वान्न पार्थ मनोगतान आत्मनियो आत्मना तुष्ठा स्थित प्रज्ञा तदा उच्यते यतेन्द्रिय मनोबुद्धि मुनि मोच पराणा विगत इच्छा भय क्रोधा या सदा मुक्ति उषा। श्री कृष्ण मुक्ति के बारे में कहते हैं, विगत इच्छा भय क्रोधा, जो जीते जी इच्छा भय और क्रोध को जीत लेता है, और यतेन्द्रिय मनोबुद्धि
जो अपने इंद्री और मन और बुद्धि को मुनि मोक्ष परायण, जो आत्मचिंतन में आत्ममंथन में लगा देता है, ऐसा मोक्ष परायण मुनि विगत इच्छा भय क्रोधा, इच्छा भय क्रोध से मुक्त हुआ व्यक्ति यह सदा मुक्त है। वह जीते जी भी सदैव मुक्त ही है, मरने के बाद वो पूर्ण मुक्त हो जाएगा जिसका ऐसा रहन सहन है। इसलिए कृष्ण भी कहते हैं कि जीते जी मुक्ति मिलेगी आपको। गांजा भांग या फीम चरस बीड़ी सिगरेट पीने वाले इन विषनों को जो ना छोड़ सके, मन बस में करना क्या जाने। इन विषनों को जो ना छोड़ सके, मन बस में करना क्या जाने। जग में सत्संग बिना मानो सम्मति गति पाना क्या जाने। जग में सत्संग बिना सम्मति गति पाना क्या जाने। आसुरी प्रकृति के जो प्राणी सत्संग में आना क्या जाने। आसुरी प्रकृति के जो प्राणी सत्संग में आना क्या जाने। जग में सत्संग बिना मानो सम्मति गति पाना क्या जाने। जग में सत्संग बिना सम्मति गति पाना क्या जाने। जीवन में जितने दुख दिखते वे निज दोषों के कारण ही, वे निज दोषों के कारण ही। पर जिसको इतना ज्ञान न हो वह दोष मिटाना क्या जाने। पर जिसको इतना ज्ञान न हो वह दोष मिटाना। जग में सत्संग बिना मानो सम्मति गति पाना क्या जाने। जग में सत्संग बिना मानो सम्मति गति पाना क्या जाने। आसुरी प्रकृति के जो प्राणी सत्संग में आना क्या जाने। आसुरी प्रकृति के जो प्राणी सत्संग में आना क्या जाने। बोलिए सदगुरु देव की जय। उत्तर प्रदेश डिस्ट्रिक्ट मऊ से मऊनाथ भंजन निवासी चिरैया कोट के कुछ श्रोता दर्शनार्थी भक्त आए हुए हैं। राजबिहारी सिंह यादव खड़े हो, श्री अरविंद यादव, श्री गुड्डू यादव, श्री ओपी यादव। देखो कितनी दूर उत्तर प्रदेश मऊ जिला, बहुत दूर है, आजमगढ़ के आगे है। वहाँ से इनकी श्रद्धा यहाँ लेकर आई है। इनके लिए एक बार ताली बजा कर इनका सम्मान देखिए। सुखी रहो, प्रसन्न रहो, आनंद करो। अब यहीं सोना, यहीं भोजन भंडारा लेना, कोई चिंता नहीं, यथास्थान आ गया। जग में सत्संग बिना मानो सम्मति गति पाना क्या जाने। जग में सत्संग बिना मानो सम्मति गति पाना। आसुरी प्रकृति के जो प्राणी सत्संग में आना क्या जाने। आसुरी वह लोग सत्संग में नहीं आते हैं जो राक्षसी प्रवृत्ति के लोग हैं। सत्संग उनको रुचिकर नहीं लगता है। तुम कहोगे सत्संग में चलो, वो नहीं आएंगे। तुम जब कहोगे उनको फिल्म देखने चलो, तुरंत चल देंगे, वो तुमसे आगे खड़े हैं। ये सत्संग पुण्य आत्माओं को ही रुचिकर लगता है, पापी आत्मा